दोस्तों हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक होती है, इनके इंजन में सबसे ज्यादा ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस 2018 मॉडल है और ये अभी चली है 28,000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं तकरीबन किक सील, मैग्नेट सील और ये क्लच पुश लीवर का रिंग कट जाता है और यहाँ से ऑयल का रिसाव होने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए यहाँ पर धूल मिट्टी जमने लगती है और यहाँ से ये काफी भद्दा दिखाई देता है। और दूसरा, जब हम कभी लंबी राइड पर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कपड़े यहाँ से अक्सर गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुछ बंदे क्या करते हैं, जो इसका क्लच पुश लीवर रिंग होता है उसकी साइड में कुछ धागा लपेट कर इसको वापस फिट कर देते हैं। तो क्या इससे दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये रिंग होता है यहाँ से ऑयल का रिसाव होने लगता है, तो क्या वो बंद हो जाता है एक धागा लपेटने से? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए तो दोस्तों हमें इसका स्पेशल रिंग ही डालना होता है और वही इसकी ऑयल लीकेज को बंद कर सकता है। दोस्तों तकरीबन जो रिंग होते हैं वो हमें जेन्युइन ही डालने चाहिए और आज मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा मैं रिंग इसमें डालता हूं और कैसे डालता हूं और कैसे हम इसके लीकेज को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके इंजन ऑयल को निकालना पड़ता है और इसके बाद जो इसे क्लच कवर में 7 बोल्ट लगे होते हैं इनको हमें ओपन करके इस क्लच कवर को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इन बोर्ड्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास प्लास्टिक वाला हैमर होता है आपने क्लच के ऊपर इसको लगातार हिट करना है। वो इसलिए देखिए जो इसका पैकिंग होता है वो यहाँ से पूरी तरह से चिपका हुआ होता है और जैसे ही हम इस पर हिट करते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देगा और पैकिंग दोस्तों बिल्कुल आपको यहाँ पर सेफ देखने को मिलेगा। तो इससे होता क्या है, तकरीबन 99% ऐसा होता है जब भी मैं कभी बाइक का क्लच खोलता हूँ किसी भी बाइक का, तो उस पर ऐसे हिट करता हूँ और क्लच का जो पैकिंग होता है वो दोस्तों बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो फटे। तो आप भी दोस्तों ऐसे करके देखना, आपके पास भी दोस्तों ये पैकिंग नहीं फटेगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैं आपको हिट करके दिखा रहा हूँ तो आपने भी इसको ऐसे ही हिट करना है। और अब आपने क्या करना है, जो क्लच पुश लीवर होता है इसको ऊपर उठाना है और क्लच कवर को बाहर खींच लेना है। तो अब मैं इसके क्लच कवर को ओपन करके देखता हूँ क्या यहाँ पर इसका पैकिंग फटा है या नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं जो इस साइड में है ये तो बिल्कुल प्लेन है और अभी मैं दूसरी साइड में आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर पैकिंग बिल्कुल चिपका हुआ है और ये बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों आप भी इस ट्रिक से इसके पैकिंग को बचा सकते हैं किसी भी बाइक के। तो देखिए यहां पर ये पैकिंग बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों ये तो थी पैकिंग वाली बात, आप करते हैं इसके क्लच पुश लीवर रिंग की बात। तो पहले मैं इसके क्लच पुश लीवर को चेक कर लेता हूँ कहीं ये तो नहीं कट गया है या फिर इसका सिर्फ रिंग ही कटा है। तो देखिए मैं आप देख सकते हैं सिर्फ इसका रिंग ही कटा है और ये जो लीवर है ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले चलो मैं इसको साफ कर लेता हूं और तब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब मैंने इसके क्लच कवर को और इस लीवर को अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि दोस्तों साफ सफाई जो होती है हमारे काम में बहुत मायने रखती है। अब इसके बाद ये एक किक सील है जो मैंने लगातार इसमें डालनी है और ये है एसटी कंपनी की। दोस्तों एसटी कंपनी का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है और मैं ज्यादातर एसटी कंपनी की सीलों का ही इस्तेमाल करता हूँ। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास हीरो की स्पेशल रिंग है जो इसके क्लच पुश रोड के रिंग है। तो आप देख सकते हैं इसका ये पार्ट नंबर है, आप यहाँ पर नोट कर लेना और देख सकते हैं इसकी जो लिस्ट है वो 5 रुपये पर रिंग की है और इसमें 20 पीस आते हैं। तो दोस्तों मैं इन रिंग ज्यादातर इस्तेमाल करता हूं और ये स्पेशल इसी पुश रोड के रिंग होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनकी पैकिंग है और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जो रिंग है ये काफी मोटे होते हैं। अब मैं इसके एक रिंग को लेता हूं और इसमें डाल देता हूं। दोस्तों आपने याद रखना है यहां पर किसी तरह का ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, आपने सिर्फ पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को भी देखना है। अब देखिए ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रीस का और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इससे देखिए यहाँ पर पेट्रोल से कुछ गीला कर लें और जैसे ही जो इसका होल है यहाँ पर इसको लगाएं और हल्की सी इस पर हीट कर दें और ये तुरंत अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो रिंग होता है वो चिकना हो जाता है और वो तुरंत अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो दोस्तों आपने याद रखना है यहाँ पर किसी तरह का ग्रीस और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और मैं गारंटी लिख के देता हूं दोस्तों आपको ये रिंग दोबारा यहां से इतनी जल्दी लीक नहीं होगा। दोस्तों क्लच कवर को फिटिंग करने से पहले जो इसका लीवर होता है आपने इसको बैक साइड में ऐसे उठा लेना है, वो इसलिए जो इसमें ठेसी होती है दोस्तों वो बाहर न गिरे। तो अब इसको उठा के ऐसे रखना है और इसको ऐसे फिट कर देना है।
अब इसके बाद दोस्तों हमें डालनी है इसमें किक सील। दोस्तों किक सील डालने का तरीका कुछ अलग होता है, या कोई भी सील होती है उनको तरीके से ही डाला जाता है। अब देखिए मैं कैसे इन सीलों को डालता हूं। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, जो ये किक सील है इनको इसको दोनों साइडों से पेट्रोल से गीला कर लेता हूं। और देखिए अब मैंने सील को पकड़ा, और आपने क्या करना है, इस सील को ऐसे पकड़ के इसको घुमा घुमा के अंदर ले जाना है। वो इसलिए दोस्तों जो ये सील होती है 100 जल्दी कटेगी नहीं और ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही से बैठ जाएगी। इसके बाद प्लग पाने से आपने इसको प्रेस करना है और ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही बैठ जाएगी। तो दोस्तों कोई भी सील होती है मैं ऐसे ही डालता हूँ, उसको पेट्रोल से गीला किया, क्योंकि पेट्रोल से इसकी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है और एकदम से वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और ये काफ़ी समय तक लीक नहीं होती। तो दोस्तों इसके अलावा मुझे कुछ और इसमें काम भी करने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक नॉलेजफुल वाला वीडियो बनाया जाए, कैसे हम क्लच पुश लीवर के रिंग को आसानी से बदल सकते हैं और इसके लिए केस को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।